हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन छपरा और सिवान में एक बार फिर से शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बिहार में शराबबंदी है, जमीन से लेके आसमान से लेके नाव से लेके हर जगह शराब की चेकिंग लगी हुई है, तो फिर शराब माफिया आखिर खुले तौर पर इतना शराब कैसे बेच पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में शराब माफिया कब खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे? चलिए इन सारे सवालों का जवाब लेते हैं हमारी जनता से और उनसे पूछते हैं कि बिहार में ये सिलसिला कब थमेगा। आइए तो देखिए कि छपरा और सिवान में जो है वो मौत का सिलसिला, शराब पीने से मौत का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति भी जो है वो भयावह हो रही है क्योंकि लगातार शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। भैया ये बताइए कि शराबबंदी है उसके बावजूद लोग शराब पी के कैसे मर रहे हैं? शराब कैसे पी के मर रहे हैं? ज्यादा पी लेंगे तो मर जाएंगे। हाँ। कोई भी ज्यादा काम होगा, रसगुल्ला खा लीजिएगा आप, ज्यादा तो मर जाइएगा। लेकिन सूचना ऐसी है कि जहरीली शराब वहाँ पर, जहरीली शराब नहीं बनती है, लोग ज्यादा नजायज शराब पीते हैं, नजायज शराब पीते हैं। अच्छा ये बताइए कि शराब माफिया जो है वो बहुत सारे अभी भी है जो शराब बेच रहे हैं, तो शराब माफिया का खात्मा कैसे होगा? बिहार में शराबबंदी है, अब यहाँ का तो नेता लोग समझे, प्रशासन समझे, बड़े बड़े नेता लोग समझेंगे, यहाँ के प्रशासन देखे, एसपी देखे, डीएम देखे, कौन माफिया डॉन अच्छा, है। एक ये भी इल्जाम लग रहा है कि जो चौकीदार होते हैं गांव में या कस्बे में, जो चौकीदार होते हैं वो भी सूचना नहीं देते हैं, अगर शराब मिल रहा होता है तो देख के भी सूचना नहीं देते। देखिए सबको अपना अपना लगा हुआ है। हाँ। माफिया लोग से भी डर है। हाँ। और उन लोग को भी अपने आप से डर है। हाँ। तो दोनों एक दूसरे का चट्टे बैठे हैं। हाँ। अब रहा उसमें क्या किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि शराबबंदी यहाँ पे हो गई है, शराब यहाँ पर जरा भी अगर कहीं मिलती है तो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार शराब पीने से मौत पहले भी हुई है, पहले भी 100 का आंकड़ा जो है लगभग पार कर गया था और अभी फिर से जो है वो आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, ये स्थिति कितनी भयानक होगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शराब बिहार में बंद है और हाँ। उसको लेकर के प्रशासन या सरकार के तरफ से पूरी तरह से प्रयास है कि शराब किसी तरह भी किसी कोने में ना पहुंचे, फिर भी बावजूद तस्कर हैं जो माफिया हैं, शराब ला रहे हैं, विदेशी शराब ला रहे हैं अन्य स्टेट से और ला करके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ चुआऊ शराब जो है और जो स्पीड से बनने वाले हैं, स्पीड से बना करके शराब पिलाया जा बेचा जा रहा है। हाँ। जिसका कोई लिमिट नहीं है, उसका मात्रा होता है बनाने का। हाँ, सरकार हाँ, बनाकर बेचती है लेकिन उसमें कोई मात्रा नहीं है, वो लोग इसी तरह नशा, ज़्यादा नशा करने के लिए बनाकर बेच देते हैं और उसी से लोगों को, पीने वालों की मौत हो जाती है। शराब से बदलाव आया है। हाँ। सरकार ने शराबबंदी कर दी। हाँ। अब हमारा अब उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। हाँ। उसको इम्प्लीमेंट करना, पुलिस को इम्प्लीमेंट करवाना पुलिस का काम है। हाँ। जनप्रतिनिधियों का काम है। हाँ। लेकिन आप निचले स्तर पर जाएंगे और आप कैमरे से हटकर अगर आप बात करेंगे। हाँ। तो जितने सफेद पोश लोग हैं जो निचले स्तर पे हैं, वह शराब से जुड़े लोग हैं, शराब के कारोबार में जुड़े लोग हैं। हाँ। उनका पैसा लगा होता है, जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं। हाँ। वो पर्दे के पीछे से शराब को आर्थिक मदद करते, शराब कारोबार की मदद करते हैं। शराबबंदी पर भी, शराबबंदी की जो है वो बार बार बात की जाती है, बार बार जो है बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, लेकिन शराब पीने से इतने लोग मर गए। सबसे पहला सवाल तो शराब माफिया का खात्मा कब होगा, और दूसरा ये कि बार बार जो है ये पुलिस प्रशासन और शराब जो माफिया हैं उनके संबंध के बारे में कहा जाता है कि इनके बीच में साठगांठ है जिसके कारण शराब पकड़ा नहीं जाता है। सही बात है, पुलिस से साठगांठ और उन प्रशासनिक पदाधिकारियों के सानिध्य में ही ये सब काम होता है, क्योंकि एक पुलिस जब टाइट हो जाती है तो सारा स्थिति बदल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही पुलिस जब किसी से मिल जाती है तो वही सारा काम उल्टा हो जाता है, और यही मिलने के कारण ही, वहाँ साठगांठ के कारण ही पुलिस पदाधिकारियों के मिली भगत से ही वहाँ काम होते हैं। छोटे स्तर पे जो लोग पीते हैं और मरते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये जरूर ही पुलिस पदाधिकारी और उन तरह के जो अधिकारी हैं इससे जो मिले जुले हैं उनकी ये नाकामी है, और इस तरह का जो धंधा चल रहा है जिसके चलते गरीब लोग जो मर रहे हैं, में बेच रहे हैं घर में, पीने वाले भी घर में आते हैं। सरकार से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकारी पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, इनके सानिध्य में ही ये सब चलता है, जिसका परिणाम उन छोटे लोगों को भुगतना पड़ता है। बड़े लोग तो बड़े पैमाने के चीज़ लेकर पी लेते हैं, अपना निकाल लेते हैं काम, लेकिन मरने वाले जो लोग हैं वही हैं, फिर वो हल्ला होगा। हाँ। और परिणाम कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मर गए, मुआवजा मिलेगा, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो भैया इधर आ जाइए, क्योंकि छपरा में जो है वो पहले भी 100 का आंकड़ा पार कर गया था, जब एक बार और शराब से मौत हुई थी 100 का आंकड़ा पार कर गया था, अभी फिर से शराब पीने से लोग मर रहे हैं,
लेकिन कहीं से भी जो है वो कहा जाए कि परिवर्तन नाम का चीज़ नहीं दिख रहा है। इस शराब माफिया जो है, क्योंकि पीने वाले तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन ये जो शराब माफिया है इनका खात्मा कब होगा? इनका खात्मा तब होगा जब प्रशासन चौकस होकर इन दिशा में परिवर्तन करेगी, बदलाव लाएगी। तो प्रशासन और माफिया के संबंध पर भी सवाल उठते हैं कि इन दोनों की मिली भगत रहती है अक्सर, ऐसा होता है क्या? इन दोनों की मिली भगत रहती है? सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। यस, क्योंकि देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो कहा जाता है कि जरा सी कोई चीज़ हो तो लोगों को पता चल जाता है। यहाँ बड़े बड़े शराब माफिया हैं, शराब बेचने वाले लोग हैं, फिर पुलिस को कैसे पता नहीं चलता है कि हमारे क्षेत्र में जो है वो शराब बिक रही है? थानेदार को चौकीदार प्रॉपर नियुक्त किया गया है, चौकीदार क्या जाके पुलिस को नहीं बताते, या चौकीदार मामले को वहीं दबा देते हैं कि यहाँ पर शराब मिल रहा है और वहीं तक रह जाता है बात? जिसको दाम मिलता है वो रह जाता है, जिसको दाम नहीं मिलता है वो आगे बढ़ जाता है। तो मतलब कहा ये कहा जाए कि चौकीदार को जो है वो पता रहता है लेकिन बावजूद के नहीं बताते हैं। पैसा देता है माफिया, पैसा देता है और माफिया का डर भी होता है। अभी एक भैया कह रहे थे कि उसको मिला जुला के रहने के चक्कर में जो है नहीं बताता है कभी। हाँ, कभी काल पैसा नहीं रुक जाता है तो फिर वो पकड़ा जाता है बंदा। सर इसमें तो पुलिस को ज्यादा तेज होना चाहिए। मैं पुलिस तो देख के अंदेशा करे तभी ना हो रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौकीदार भी है, चौकीदार भी क्या जाके नहीं बताते हैं नहीं यहाँ पे शराब मिल रहा है? नहीं बताते, नहीं बताते हैं। शराब जिस क्षेत्र में भैया शराब मिलता है, आपके यहाँ से लगातार मौत का खबर आता है कि छपरा में जो है इतने लोग मर गए, छपरा में इतने लोग मर गए। अभी छपरा से लेकर सिवान तक मौत का सिलसिला जारी है, शाम तक हो सकता है कि और मौत हो जाए। कहाँ मरा है लोगों में? सिवान में, छपरा में बहुत सारे लोग जहरीली शराब पी के मर गए हैं आप ही के क्षेत्र में। तो शराब खोलना ना चाहिए सरकार को? हाँ। शराब खोल देना चाहिए। हाँ। काहे जहर के लोग पी के मरेगा, बढ़िया शराब पिएगा। हाँ। शराब तो मुहैया हो रहा है दोगुना तिगुना पैसा लेकर के, तो सरकार को इस काम को करना चाहिए, सरकार को शराब खोल देना चाहिए। अच्छा, शराब माफिया का जब तक प्रशासन सजग नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। प्रशासन ही बेचवा रहा है इस सब चीज़ को। हाँ। उतना कड़ाई नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है कि किस ढंग से रोका जाए। और शराब को इसी तरह धड़ल्ले से बिक रहा है, अभी देखिए बगल में वो शराब पी के सोया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दिन भर ये ऐसे सिलसिला चलते रहता है। इधर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, शराब प्रशासन देख रहा है, जा रहा है इधर उधर। हमेशा कुछ न कुछ एक अच्छी नीति बने, शराब बंद ही अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उसका जो ये जो होना चाहिए ढंग से वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, लगातार शराब पी के मरते हैं गरीब लोग ही भैया, अभी भी देखिए कि जहाँ पर लोग मरे हैं सब लोग बहुत गरीब लोग हैं और उनके परिवारजन जो है, हो सकता है कि एक परिवार में कमाने वाले वही अकेले होंगे। अगर वही आदमी मर गया तो सोचिए कि उसके परिवार का क्या होगा, गंजन हो जाएगा बहुत। ये शराब माफिया क्यों नहीं खत्म हो रहा, जो शराब बेचने वाले लोग हैं इसको क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है? अब तो प्रशासन जानेगा। अच्छा, पुलिस ऐसा होता है क्या कि पुलिस देख लेती है और उसके बाद भी छोड़ देती है? उतना तो हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जब इनको जानकारी दी जाती है तो वो कितनी कार्रवाई करते हैं, ये भी आपको जो है वो हम प्रत्यक्ष आज जरूर दिखाएंगे। क्योंकि पुलिस को जो है हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है भैया, हमारे मोहल्ले में कौन सब्जी बेचने आता है, कौन मछली वाला आता है, हम लोग को सब पता रहता है, पता रहता है ना कि कौन दूध देने आता है। एक पुलिस जिसके क्षेत्र में पूरा एरिया आता है, क्या उनको पता नहीं चलता होगा कि कितना शराब मेरे क्षेत्र में बिक रहा है? नहीं, तो सभी को जानकारी है। हाँ, दारू शराब माफिया को क्यों नहीं पकड़ते हैं? हाँ, तो पकड़ना प्रशासन के काम है। हाँ। खुली छूट दे रही है। हाँ। इससे अच्छा तो पहले था कि मान लीजिए पूरी छूट था। हाँ। लोग आसानी से पी खा लेते थे, अभी इसे उसी पर निर्भर है। जो चीज 200 में मिल रहा है आज के डेट में 600 में मिल रहा है। हाँ। 200-400 का भी छोड़ दीजिए, जो 25 रुपया में शराब पी रहे हैं वो कौन सा लैब में बन रहा होगा? शराब तो बनाने से पहले लैब में टेस्ट होता है। इसको बने लोग अपने से लोग बना के लोग बेचता है। स्पिरिट सुनते हैं, बड़ा बड़ा संख्या में स्पिरिट यहाँ पकड़ाता है। हाँ, तो ये है एकदम, स्पिरिट भी बार बार पकड़ा भैया यहाँ पर, तो बार बार स्पिरिट पकड़ाता है कि दारू बनाने वाला स्पिरिट लेके जा रहा था, लेकिन तभी दारू बनाने वाला कहे नहीं पकड़ाता है। ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन क्या मिली भगत प्रशासन की रहती है? क्योंकि जहाँ पे शराब पीने से मौत हुआ है वहाँ पे भी चौकीदार नहीं बताया, हाट में शराब खुला बेच रहा था, इस चौकीदार ही ना बताएगा भैया? तो इसका मतलब जब चौकीदार नहीं बताया तो प्रशासन की मिली भगत ही है। हाँ। तो कहीं किसी क्षेत्र में अगर शराब बन रहा है और शराब बिक रहा है तो चौकीदार जाके नहीं बताते हैं? चौकीदार मिले हुए रहते, रिश्वत लेते, मिले हुए रहते। हाँ। वो लोग कोई जानकारी नहीं लेते कि हाँ भाई इस क्षेत्र में शराब मिल रहा है या जहरीला बना रहा है, कम से कम जहरीला बना है तब तो बता दे। नहीं बताते ना, पैसा लेते। अच्छा, समझिए कि आत्मा भैया ये बताइए, भैया 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 लगता है बिजी है। तो यहाँ पे देखिए,
बंदी पे सभी लोग दोषी है। हम प्रशासन है, हम हुए, आम जनता भी है, शासन प्रशासन और ग्रामीण जनता भी इसमें दोषी है। पुलिस को क्या बताएंगे, पुलिस ही तो कमीशन लेके काम करती है, पुलिस ही करवाती है, पुलिस खुद ही कमीशन ले रही है। हाँ, पुलिस ही कमीशन लेती है, वही माल छोड़ती है, वही वही लेना देना सब होता है। सब बड़ी बड़ी संख्या में जब शराब का खेप पकड़ाता है भैया, तो पुलिस को ये जानना चाहिए ना खेप कहाँ से आ रहा है। पुलिस प्रशासन को ए टू जेड मालूम है, ऐसी बात नहीं है। जब बड़ी बड़ी संख्या में शराब पकड़ाता है, अभी एक भैया बता रहे थे कि बड़ा बड़ा शराब पकड़ाता है, बड़ा बड़ा स्पिरिट पकड़ाता है, बड़ा खेप एकदम, तो प्रशासन तो ट्रक पकड़ती है और छोड़ती है, तो पुलिस पता नहीं कर रही कि शराब कहाँ से आ रहा है। कौन तो दिखावे के लिए फोड़ती है, थाने में ले जाकर दिखावे के लिए फोड़ती है, उसको तो ऑलरेडी मालूम है। अच्छा, इतना सरकार को जानकारी है भैया, हमें आपको जानकारी है शराब माफिया के बारे में कि कौन क्षेत्र में शराब माफिया है, कौन क्षेत्र में नहीं है। सरकार को मालूम नहीं है कि शराब माफिया कहाँ है, फिर शराब माफिया को क्यों नहीं खत्म कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को कड़ा से कड़ा डिसीजन लेना चाहिए इस पे। नैतिक जिम्मेदारी उनकी पहले भी बनी थी और उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया था। रेल मंत्री होते हुए जब दुर्घटनाएं हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसी घटना हुआ था तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। और अब शराबबंदी करके रखे हुए हैं, बार बार उसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, क्या कर रही है पब्लिक में, उसकी क्या शराबबंदी आज जरूरत है या भी नहीं है। और सारा आपका प्रशासन पुलिस तंत्र केवल शराबबंदी में लगा हुआ है, शराबबंदी को पकड़ने में लगा हुआ है, और यहाँ पे जंगल राज बढ़े जा रहा है, इतना क्राइम बढ़ चुका है, सारा प्रशासन लगा हुआ है, तो केवल शराबबंदी और हेलमेट चेकिंग पे बदलाव की जरूरत है। और मुख्यमंत्री से पूरा उम्मीद है, उनसे आग्रह भी करेंगे कि आपकी बार वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो पी के अगर पड़ा रहे और एक व्यक्ति जो है अगर बिना हेलमेट लगा के चलता रहे, तो पुलिस बिना हेलमेट वाले को पहले पकड़ेगी, और जो पी के पड़ी हुई है उसको शायद पूछेगी भी नहीं कि तुमने कहाँ से लेके शराब पिया है। तो शराब माफिया का खात्मा फिर कैसे हम लोग उम्मीद करेंगे? शराब माफिया छोटा छोटा जो व्यापारी है, माफिया लोग तो बंद कर दिया है, छोटा छोटा जो व्यापारी है वो सब नदियों पार से उस पार से पीछे लेकर आ रहा है, खुलेआम बिक रहा है। भगवान जाने, मिली भगत है सरकार की, मिली भगत से सब काम हो रहा है यहाँ। जहाँ पे मौत हुई है वहाँ पर चौकीदार ने जानकारी नहीं दी कि यहाँ पे रोड पर शराब मिल रहा है, तभी ना शराब अगर वो जरा सा पैसे के लालच में अगर जानकारी दे देता तो सोचिए कि कितना जिंदगी बच जाता। दारू पीता तो नहीं मरता ना, नहीं मिल रहा है दारू, खुलेआम नहीं मिल रहा है, तू 40 रुपए का औकात है, चले कम दाम वाला दारू पीता है तो मरता है। भैया की एक दिन में 500 से ज्यादा रुपया दिया होगा चौकीदार को, 500 से ज्यादा तो नहीं दिया होगा चौकीदार की, इससे ज्यादा क्या है, 500 रुपया दिया होगा, 500 रुपया के लिए वो कितना जान ले लिया। बस वो तो लेता है, ये पुलिस वाला ये काम है, दारू मिलता है ना। आप पुलिस जो है माफिया को पकड़ छोड़िए, आप माफिया साफिया छोड़िए, दारू बेचने को छोड़िए, ठीक है। हमको स्पाइक का काम दीजिए ना, हम पूरा छपरा जिले में बंद करवा देंगे। दीजिए स्मैक का काम, यहाँ पे स्मैक भी बढ़ गया है। स्मैक नहीं बढ़ा है, स्पाइक का काम दीजिए ना हमको, हम थाना से मिल जाएंगे, उसको पकड़वाएंगे। अच्छा, पूरा छपरा जिले में बंद करवा देंगे, लेकिन गुप्त में, मेरा वादा है। तो हम पकड़वाते हैं तो हमको गोली चलेगा, एंटीपटी चलेगा ना, हम क्यों बंद करेंगे? हम सभी जगह का जानते हैं, हम सभी जगह जानते हैं कहाँ कहाँ पर दारू छूता है, कहाँ कहाँ पर लोग बेचता है, कहाँ कहाँ पर पार्सल होता है, हम पकड़वा सकते हैं। आप जाके बताइएगा पुलिस को, पुलिस अगर माने जाए उसको छोड़ दे, लेकिन हमको हमको क्या मिलेगा? आपको कहा देगा कि वो फलनवास से सावधान रही। शराब कहाँ बिक रहा है? प्रशासन को क्यों नहीं पता चल रहा कि शराब यहाँ बिक रहा है? हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मिली भगत है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं भैया। मान लीजिए कि भैया जाके बता दे पुलिस को कि यहाँ पर शराब मिलती है, पुलिस जो है वो शराब माफिया से साठगांठ कर ले, क्योंकि ऐसा लोग बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता भी है। और पुलिस वाले माफिया को कह भी दे कि भैया से सावधान रहिए, हुआ के सूचना देवे लन, ऐसा ही होता ही हुआ है। सारे जो दिल्ली की स्पाइक का काम कर रहे हैं, गोली मार देगा लोग, एंटी पार्टी लोग, बात वही है। शराब माफिया को जो है वो शय यहीं से मिलता है, क्योंकि शराब माफिया जो है वो लगातार शराब बेचते भी है, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको जो है वो अलग अलग सोर्स से, अलग अलग ऊंचे ऊंचे पद से जो है उनको ताकत मिलते रहती है, उनको पावर मिलते रहती है, जिसके कारण उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लोकल लोग उनके डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं कि वो हमको दुश्मनी ले लेगा, हमसे जो है वो हमको रडार पे ले लेगा, और हमारा जो है वो कहा जाए कि शराब माफिया का खात्मा क्या होगा, हमारा ही खात्मा हो जाएगा। फिलहाल चलिए जाँच पड़ताल जो है वो और जारी रखेंगे, लोगों का ओपिनियन हम लेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर बिहार में शराब माफिया का खात्मा कब होगा, कैसे होगा। आइए, पीने वाला पीता ही है, मरने वाला मरता ही है। अच्छा, दारू पीने से जो है मर रहे हैं गरीब लोग, है ना,
जो गरीब लोग, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अभी हम लोग तस्वीर देख रहे थे, उनके परिवारजन जो है वो बिलख बिलख के रो रहे हैं, उनकी जिंदगी तो कोई नहीं लौटाएगा। लेकिन ये जो शराब माफिया है, आखिर क्या इनकी मिली भगत रहती है पुलिस के साथ जिसके कारण ये जानकारी नहीं देते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे एग्री हूँ कि मर रहे हैं गरीब लोग। बिल्कुल, अगर वो गरीब हैं तो ब्लैक में शराब तो खरीद ही रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात शराब माफिया की आप बात कह रही हैं, सरकार ने यहाँ पे शराब तो बंद कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। शराब कैसे आ रहा है? मैं झारखंड से भी बिलोंग करता हूँ, मेरा घर रांची है। अच्छा। छपरा मेरा ससुराल में, ससुराल आता हूँ, यहाँ पे इजीली शराब अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल हो जा रहा है? झारखंड से भी शराब आ रहा है, मिल भी रही है और बन भी रही है, क्योंकि जिन्होंने शराब पी वो खुलेआम वहाँ पे हाट में शराब लेके वो लोग पिए हैं, भगवानपुर में, सिवान की जहाँ की घटना जहाँ से हुई है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ सलेमपुर में, आप चले जाओ उस गली पे, आपको 8 PM का पाउच मिलता है फ्रूटी की तरह, वो फेंका रहता है, फ्रूटी लोग बोलते हैं, फ्रूटी की तरह फेंका रहता है वो 8 PM ब्रांड है, लोग 8 PM के नाम से बेच रहे हैं, दैट इज डुप्लीकेट। हाँ, वो डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट है, उसको बेचा जा रहा है। हाँ, ये सीसी फेंकी रहती है, मतलब ये नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट को, ये नहीं दिख रहा है नगर निगम को, नहीं दिख रहा है, वो सफाई करने आता है वो ये कंप्लेन नहीं करते कि इसने शराब की बोतलें यहाँ फेंकी हुई है। क्या हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट ने, ये शराबबंदी एक नाटक है, इसको उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है। अच्छा, अभी देखिए कि जिस समय शराबबंदी हुआ था दीदी, उस समय जो है वो बोला गया था कि हम महिलाओं के लिए, महिलाओं को बड़ा दिक्कत हो रहा है, उनका सारा कमाई जो है वो उनके पति जो है वो उड़ा दे रहे हैं शराब में, इसलिए शराब बंद कर दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए कि कितनी औरत का जो है सुहाग उजड़ गया, कितने औरत के बेटे मर गए, तो इसका जवाब कौन देगा? क्यों बिहार से शराब खत्म नहीं हो रहा है? अब ये तो अधिकारी लोग का मतलब पूरा अथी करना चाहिए, शराब के लिए तो मतलब पूरा एक ही आदमी तो शराब पी रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बच्चों, बीवी, पूरा परिवार परेशान है। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब शराब बंद हो जाए। नीतीश जी से यही मतलब कहना है हम लोग को कि शराब बिल्कुल बंद कर दें। जी अच्छा, शराब तो बंद है ही बिहार में, लेकिन बावजूद इसके शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहरीली शराब कोई ना कोई बेच रहा है तब ना, तो ये शराब माफिया क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं बिहार से? कब इनका खात्मा होगा? ये तो सरकार को देखना है सर। शराब अभी भी मिल रहा है कि नहीं आप लोगों के साइड? मिलता है कि नहीं ये पता नहीं, नहीं मिलता है आप लोगों के साइड भैया? नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार में जो है मरने वाले जितने लोग हैं, अभी भी जितने लोग मरे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए ना, अभी भी जितने लोग मरे हैं वो बहुत कहा जाए कि कम पैसा कमाने वाले और गरीब लोग हैं, गरीब लोग की जान जा रही है ना, और बाकी सब लोग जो है पुलिस प्रशासन, चौकीदार जितने नियुक्त किए गए हैं सब घोड़ा बेच के सो रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि हमारे क्षेत्र में शराब मिल रहा है? पीने वाला की गलती है, कोई बोलने वाला कोई नहीं है, बिंटोली जाइए ना, बिंटोलिया में शराब हम लोग चुहा के बेच रहा है, तो 25 रुपए पाउच बेचता है, कहाँ कोई बोलने वाला कोई है, मरता है सब, पीता है सब, देखता, देखने के बाद भी लोग नहीं बोलते, पुलिस प्रशासन के लोग नहीं बोलते। बोलेगा भाई? किसको क्या मतलब है? तब किसी को कोई मतलब नहीं है, पुलिस प्रशासन किसी को कोई मतलब नहीं है, पुलिस प्रशासन के मिली भगत से ही बेच रहा है। बेचने वाला कहता है कि थाना को पैसा देते हैं, खुलेआम कहता है, तो आम पब्लिक क्या करेगा? अच्छा, आम पब्लिक को भी तो ये डर रहता है ना, क्योंकि बेचने वाले लोकल रहते हैं, तो अब आम पब्लिक खुल के कैसे बोलेगा कि फलनवा बेच रहा है दारू, दुश्मनी नहीं लेगा, ये दारू पी के पड़े हुए हैं। अभी जो है वो कहा जाए कि शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, और ये जो है ये दारू पी के पड़े हुए हैं, तो देखिए कि ये स्थिति है, छपरा की हम बात कर रहे हैं, और छपरा में ये स्थिति है कि दारू पी के जो है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि इन्होंने भी जो है वो उसी क्षेत्र का शराब पिया हो, जहाँ क्षेत्र से पीने से लोग जो हैं वो मर रहे हैं लगातार, और ये रिक्शा चलाने वाले हैं शायद, जैसा कि दिख रहा है कि रिक्शा चलाने वाले, ये रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, हाँ रिक्शा चलाते हैं, और इन्होंने भी शराब पी हो, तो कोई दो राय नहीं है। मिल गया आपको सबूत? मिल गया आपको? देखिए सबूत मिल गया आपको? दारू कहाँ से आया है? अभी अभी तो देखिए कि ये इस हालत में भी नहीं है कि जवाब दे पाए, और हो सकता है कि ये भी वही का शराब पियो जहाँ के शराब पी के लोग मर रहे हो, वही का लोग पीता है, लोग वही का लोग पीता है, बराबर पीता है रिक्शा वाला, बराबर बराबर पीता है, यही चौके पर का है, तो ये तो कमाने के समय पी के पड़े हुए हैं। यहीं पे पुलिस रहती है, कुछ नहीं करती है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहती है, कुछ नहीं करती है, चेक पोस्ट ही बना हुआ है ना, यहाँ पे तो चेक पोस्ट बना हुआ है, तो पुलिस पुलिस प्रशासन के लोग कभी आके पूछते नहीं है कि कहाँ से दारू? नहीं, ये सब नहीं पूछती है पुलिस, इतना 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 रोक लगाता, पुलिस वाले रोक लगाते, इन पे ध्यान रखते तो दारू बिकता ही नहीं, क्योंकि देखिए कि इतना तो हम लोग को भी पता है कि अगर फलाने बाबू के यहाँ से कोई चीज मिलेगा तो हम फलाने बाबू से जरूर पूछेंगे।
पूछेंगे कि आप ये चीज कहाँ से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, इतना तो पुलिस भी पूछ सकते हैं, हालांकि वो तो ट्रैफिक नियंत्रण करने वाली पुलिस है। हाल है कि सरकार के तरफ से रोजगार तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है कि दारू का एमआर 5-6 गो नहीं है। हर मोहल्ला में दारू का एमआर है, जिस तरह दवा का एमआर होता है उस तरह बिहार में ही नहीं, हर जिला में, हर मोहल्ला में 5-5, 6-6 दारू का एमआर है आसानी से। पिछले साल और बताते हैं खुला छोड़ दिया जाए जैसे पहले था। बताते हैं 10/5/2020 में मेरे चाचा का लड़का भी था जो को बेचारा बहकावे में भी चल गया था, वो दो लड़का डूब गया भी लो माल लाने में, माल लाने जी 60 पेटी दारू ला दिलो, नाव डूब गया मर गया लोग, क्योंकि वो लालच में हाँ हाँ चल गया बहका गया लो। मेरा खुद चाचा का लड़का और एक और गुड्डू कुमार था बेचारा, वो दारू बेचता था, लेकिन बेचता था वो लाने गया लो, नाव डूब गया मर गया लो, दोनों 5 लोग डूबे जिसमें। बाद में उसका जांच हुआ था? नहीं जांच कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मर गया केवल हम लोग पोस्टमार्टम कराए हैं और जाकर बस जो करना था क्रियाकर्म कर दिया। ये कुछ पूछताछ नहीं हुआ, कुछ कि नहीं हुआ, कहां से ला रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे, कुछ नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि सब दारू माफिया पैसा दे रहा है ना, पैसा दे रहा है, नहीं पैसा दे रहा है, सब थाने पे पैसा बना हुआ है महीना, इसलिए देखिए दारू माफिया जो है पकड़ा जाता है वो 2-3 लाख रुपए देकर छूट जाता है, और जो दारू बरादमी बरादमी दिखाना होता है वो रिक्शा लग उठा कर उसको पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर थोप दिया जाता है, उसको जेल किया जाता है, और दारू माफिया जो आ जाता है सीसीटीवी में अगर कैमरा में आ भी जाता है मान लीजिए तो उसको किया जाता है। जी क्या हुआ मैडम? थोड़ा सा अंदर होइए ना अंदर। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को जानकारी है कि ये दारू पी के पड़े हुए हैं? नहीं जानकारी है, ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही, इनको कहाँ से जानकारी होगा। खैर बिहार में जो है, बिहार में सबसे बड़ा जी बताइए क्या बोली, अरे हम लोग का जान छुड़ाना है ना? जान छुड़ाना है आपको, हालांकि है ये बिहार पुलिस में ही, ये है बिहार पुलिस में ही, क्योंकि कंधे पे जो है वो बिहार पुलिस का बड़ा अच्छा सा क्राउन लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके बिहार पुलिस हो चाहे कोई पुलिस हो, होता नहीं काम करने से होता है, बिहार पुलिस ऐसे नहीं कहा जाता है, मतलब काम करना चाहिए पुलिस वाले को, नियम बहुत सारा लगा दिया गया लेकिन काम हो नहीं रहा है उस पर। हम नहीं तो किसका काम है? अरे ये तो पब्लिक का काम है, पब्लिक का काम कैसे आप पकड़ने जाइए, इनको उठा के लेके जाइए, हो सकता है आप ही पे केस हो जाए। पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस देखा कि यहाँ पर इसको पकड़ के ले जाना चाहिए, उनका काम नहीं है मान लिया जाए, उनका तो ढिमराएगा तब तो पकड़ के ले जाएगा, सूचना तो दे सकती है, ढिमराएगा तब तो पकड़ के ले जाएगा, ढिमराएगा ही नहीं तो कैसे पकड़ के ले जाएगा, ढिमराने वालों को तो पुलिस ले ही जाता है। हाँ। जो दारू पी के नहीं ढिमराएगा उसका बिना क्राइम नहीं है? नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दारू पी के जो इतना लोग मर गए हूँ, मर गए हैं तो बिना ढिमराए मर गए होंगे। हाँ मर गए, थोड़ी एक ढिमरा के मरे होंगे। दारू बिक रही है, मोबाइल से दारू बिक रही है, मोबाइल नंबर दे दिया जाता है, अब जब पीने का मन करता है तो फोन कर दिया जाता है, उसके घर पहुँच जाता है। खरीदने वाले का छोड़ दीजिए, बेचने वालों का खात्मा कब होगा? इसको बंद कर, मेरे ख्याल से शराब बंदी बंद कर देनी चाहिए, नियम के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लोग पिएंगे। हाँ। उसको कभी बंद किया नहीं जा सकता है। और आपके यहाँ तो छपरा में लगातार मौत हो रहा है, लगातार ये दूसरी तीसरी बार घटना है जो कि हो रही है, सारा जहरीले शराब के कारण ऐसा हो रहा है। और किन बावजूद इसके प्रशासन के भी लोग जो है वो कहा जाए कि सो रहे हैं, आपको रियलिटी चेक भी दिखा दिए कि यहीं पे एक पुलिस की जो है वो पुलिसकर्मी खड़ी है, महिला पुलिसकर्मी, उनसे पूछने पर वो कह रही है कि मेरा काम है सिर्फ यहाँ से भीड़ हटाना, मेरा काम शराबियों को पकड़ना नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि पुलिस जब खुद ही अपना पल्ला झाड़ रही है तो बिहार की जनता किसके भरोसे रहेगी, ये भी भगवान ही जानता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।